नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 53 से 55वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट का हमने 25 क्वेश्चंस कर लिया और इस वीडियो में हम 26 से लेकर 50 तक का क्वेश्चंस करेंगे, यानी टोटल जो है 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। मित्रों, पहला क्वेश्चन है कि मद्रास महाजन सभा जो थी, इसकी स्थापना कब की गई। तो इसमें जो है, चूँकि मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो की गई थी वो 1884 में की गई थी, इसलिए इसमें कोई भी उपयुक्त उत्तर नहीं है। नज़दीक के इसमें सबसे 1883 है, तो ये हो सकता है, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर लगाना चाहे तो टी लगाएंगे। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 में हुई और इसका उद्देश्य था जो है लोकल ऑर्गेनाइजेशन थे उनके कार्य को जो है समन्वित करना। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम जो अधिवेशन था, जो कि बम्बई में हुआ, इसमें जो है 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में किया गया, बम्बई में हुआ और इसमें जो है 72 राजनीतिक कार्यकर्ता यानी कि 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने, पॉलिटिकल वर्कर ने भाग लिया और इसकी स्थापना में एक सेवानिवृत्त अधिकारी जो है AUM का हाथ था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे सिराज गोपालाचारी, इसका आंसर ए होगा। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी यानी सिराज गोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल जो कि 1948 से 50 तक थे। 46-47 में वे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के भी सदस्य रहे थे। कब? 46-47 में। तो ये थे सिराज गोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन NCE, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है 15 अगस्त 1904 को हुई, इसका आंसर बी होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इसकी स्थापना जो है मार्च 1904 में की गई थी। इसका उद्देश्य था बगभंग विरोधी आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है मित्रों, तो मार्च 1904 में इसकी स्थापना की गई और ये सुचारू रूप से जो है अगस्त तक काम करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। तो ये 1920 में शुरू किया गया, इसका आंसर बी होगा। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसके आधार बनी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट थी वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार बनी, इसका आंसर सी होगा। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में जो है, मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे, तब वायसराय जो थे वो चेम्सफोर्ड थे। इन्होंने जो है 1970 में एक समिति का गठन किया, उस समिति में कौन कौन थे, विलियम ड्यूक, भूपेंद्र नाथ बसु और चार्ल्स रॉबर्ट शामिल थे। तीन को आदमी, विलियम ड्यूक, भूपेंद्र नाथ बसु, चार्ल्स रॉबर्ट। इस समिति ने सुधारों का मसविदा तैयार किया जिसे जुलाई 1918 में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से प्रकाशित किया गया और यही रिपोर्ट जो है 1919 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है। तो शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर है लाला लाजपत राय, इसका आंसर सी होगा। लाला लाजपत राय जिनका जन्म जो है 1865 में हुआ और मृत्यु जो है 1928 में हुआ, लाहौर में लाठीचार्ज कांड में, साइमन कमीशन वाले घटना में। तो लाजपत राय जो है जिनका जन्म 1865 में और मृत्यु 1928 में हुआ, ये पंजाब के थे। ये प्रसिद्ध वकील थे, पत्रकार थे, लेखक थे और आर्य समाजी नेता थे। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान जो है लाहौर में उन पर पुलिस लाठियां बरसाई, फलता जो है 15 नवंबर 1928 को, ये डेट याद रखना है, 15 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। वे जो है शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है लाला लाजपत राय की, वो है अनहैप्पी इंडिया, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ।
तो गांधी इरविन समझौता जो है मित्रों 1931 में हुआ, कब हुआ 1931 में, इसका आंसर बी होगा। तो मित्रों गांधी इरविन समझौता जो है वायसराय इरविन और गांधी के बीच जो है 5 मार्च 1931 को हुआ। इसमें वायसराय ने, लॉर्ड इरविन ने घोषणा की थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स प्रदान किया जाएगा और गांधी जी जो है द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लेने को राजी हुए 5 मार्च 1931 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। तो इसमें जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो था उसमें 1932 में हुआ। भारत में संवैधानिक सुधारों तथा डोमिनियन स्टेट प्रदान करने के विषय पर, संवैधानिक सुधार और डोमिनियन स्टेट इसके विषय पर जो है विचार करने के लिए लंदन में 3 गो गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल टेबल पर 4 लोग से ओर से जो है लोग बैठकर मीटिंग की, तो इसी को है गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें प्रथम सम्मेलन जो है नवंबर 1923 से जनवरी 1931 तक और द्वितीय जो है सेप्टेम्बर से दिसंबर 1931 तक और तीसरा सम्मेलन जो है 1932 में संपन्न हुआ। तो द्वितीय सम्मेलन में जो है गांधी जी हिस्सा लेने के लिए राजी हुए जब 5 मार्च 1931 को यह गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव भारत से कौन संबंधित है। तो अभिनव भारत से जो है दोस्तों इसमें संबंधित है कौन, बी डी सावरकर। कौन संबंधित है अभिनव भारत से, अभिनव भारत से इसमें संबंधित है बी डी सावरकर। अभिनव भारत प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना जो है विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1904 ईस्वी में, और कहाँ की थी, पुणे में, और किसने की थी, तो विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। तो करो या मरो का संबंध जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से है, इसका आंसर डी होगा। अगस्त 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी में जो है गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था और 9 अगस्त के सुबह जो है सभी कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 8 अगस्त को जो है गांधी जी ने यह नारा दिया था और 9 अगस्त को सभी कांग्रेसी नेता को कैद करके जेल में डाल दिया गया था। तो अगस्त क्रांति के नाम से मशहूर है ये भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से हुआ, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों 27वां अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। इसमें उपयुक्त जो है ऑप्शन की कमी के कारण इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है बी एन धर की अध्यक्षता में 1911 में कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। और 28वां जो है 1912 में बिहार के बांकीपुर पटना में हुआ। ठीक है मित्रों, किसके अध्यक्षता में, आर एन माधवकर की अध्यक्षता में हुआ। तो 27वां जो है 1911 में कलकत्ता में हुआ बी एन धर की अध्यक्षता में, और 28वां जो है बांकीपुर पटना में हुआ आर एन माधवकर की अध्यक्षता में। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में, इसका आंसर ए होगा। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो हुई थी वो 1906 में हुई थी और इसका जो है 16वां अधिवेशन जो है 1921 में हजारीबाग में हुआ। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी इसके संपादक कौन थे। तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जो बिहारी था इसके संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद, इसका आंसर डी होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ला जो कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी को चंपारण में तिनकटिया पद्धति के विरुद्ध बनाने वाले नेता थे, तो ये जो थे ये मुरली भरहवा गाँव के थे, इसका आंसर ए होगा। तो राजकुमार शुक्ल जो है ये मुरली भरावा गांव चंपारण के थे, इन्होंने जो है गांधी जी को चंपारण आने का जो है निमंत्रण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ से थे। तो श्री निवारण चंद्र गुप्ता जो है ये
पटना से थे, कहाँ से थे, पटना से थे। कुंवर सिंह कहाँ से थे, अगला क्वेश्चन है 43, तो ये जो है जगदीशपुर के ज़मींदार थे कुंवर सिंह, जो कि 1857 में जो है बिहार से जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ गवर्नर के पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो लॉर्ड सिन्हा ने जो है 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर के पद से त्याग दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार उड़ीसा के गवर्नर लॉर्ड सच्चिदानंद सिन्हा, कौन थे, लॉर्ड सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने 1921 में गवर्नर पद से जो है इस्तीफा दे दिया असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो इसमें जो है भागलपुर भी गंगा नदी किनारे है, कानपुर भी है, उत्तरकाशी है, नहीं है तो फतेहपुर, इसका आंसर ए होगा। तो मित्रों फतेहपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे है, बाकी सब गंगा के नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है, दोनों है एक ही अक्षांश पर लेकिन जलवायु भिन्न है, इसका कारण क्या है, तो दोनों की जो है ऊंचाई में भिन्नता है, यही इसका कारण है, इसलिए दोनों की जलवायु में भिन्नता है। ठीक है मित्रों, इसका आंसर ए होगा। तो मैदानों और निम्न भूमियों की तुलना में ऊंचे पर्वत और पहाड़ियाँ ठंडी रहती है, शिमला ऊंचाई पर अवस्थित है, अतः एक ही अक्षांश पर होने के बावजूद जो है अमृतसर की से यहाँ की जो शिमला की जलवायु है ये अलग पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कि झारखंड में कोयला की खाने स्थित हैं, तो झारखंड में कोयला की खाने जो स्थित है ये झारखंड के झरिया में स्थित है, इसका आंसर ये होगा। भारत में जो है 98% कोयला का भंडार जो है गोंडवाना युग का है और झारखंड क्षेत्र में कोयला के प्रमुख खान झरिया, गिरिडीह, बोकारो, करणपुरा इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, के क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन है, तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसका आंसर ए होगा। तो भारत में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र तीन नंबर पर है और सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, कि भारत का अधिकतम गेहूँ उत्पादक राज्य कौन है, तो भारत का अधिकतम गेहूँ उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, इसका आंसर डी होगा। भारत में जो है सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, कुल खाद्यान्न गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का जो स्थान सर्वोच्च है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, तो भारत के जो है बिहार उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है, इसका आंसर ए होगा। गन्ना प्रमुख उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, तो भारत के जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब में जो है गन्ना की खेती की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।